गौर प्रेम आनंदे गौरा 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 Thank you.
श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लील प्रविष्ट श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णविन की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे लोग नरोत्तम दास ठाकुर का एक विशेष किताब है प्रार्थना, और वर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा था कि अगर आपको भक्ति में प्रगति करना है तो क्या करिए। उस समय बहुत कम कीमत था तो कुछ ही आना में दो किताब जाके ले आओ, एक है प्रार्थना एक है प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर की। तो उसमें जो पहला गीत है लालसा मई, लालसा मई, उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर हरि हरि बलिते नयने बबे नीरा। कि कब ऐसी स्थिति आएंगी जब हम गौरंगा गौरंगा बोलेंगे तो शरीर कांपेगा, पूरा शरीर कांपेगा, अष्ट सात्विक विकार आएगा। हरी हरी बलि ते, हरी हरी बोलेंगे क्या होगा, नयनम गलद अश्रु धाराया, नयनों से अश्रु की धारा बहेगी। तो प्रभुपाद जी इसके ऊपर तात्पर्य दिए है, वो भी हम साथ साथ में समझेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं ये गीत नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा है, जो एक महान भक्त है, आचार्य है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो चैतन्य महाप्रभु से आती है। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे गीत लिखे हैं और सभी वैष्णव इनको अधिकृत मानते हैं। साधारण बंगाली भाषा में उन्होंने गाए हैं, लेकिन उसका जो मतलब है बहुत ही गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस गीत में वो कह रहे हैं कि कब ऐसा समय आएगा कि मैं चैतन्य महाप्रभु का नाम लूँगा और मेरा पूरा शरीर कांपेगा। गौरंग बलिते हवे पुलक शरीर, पुलक शरीर, शरीर कांपेगा, कंपा। जब व्यक्ति वास्तविक रूप से आध्यात्मिक स्थल पे है तो उस समय कभी कभी आठ प्रकार के
सात्विक विकार होते हैं, जैसे कि रोना, पागल आदमी की तरह बात करना, शरीर का कंपा होना और नाचना बिना किसी की परवाह किए। लोग देख रहे हैं उसको कुछ परवाह नहीं है, वो बिंदास नाचे नाचते रहेगा। ये स्वयं ही ये लक्षण आते हैं, इसका ढोंग करने से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग नाटकबाजी करते हैं उसे नहीं, स्वयं आने चाहिए स्वतः ही। तो नरोत्तम दास ठाकुर उस दिन की आशा कर रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा अवसर है, महाप्रभु का प्राकट्य दिन है, सभी अवतारों में गौरंग महाप्रभु का अवतार को शिरोमणि माना जाता है, अवतार शिरोमणि। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं नमो महावादन्याय। उदारता में दूसरा कोई अवतार मुकाबले में नहीं आ सकता है, सबसे ज़्यादा जो उदारता है वो चैतन्य महाप्रभु का है। तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको भक्ति में ले लेते हैं, चाहे हम सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, जगाए मदाए हो। महाप्रभु ये देखते नहीं हैं कि हमने क्या किया, क्या सुकृति है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। महाप्रभु सभी को, महाप्रभु जैसे खुद पागल हो गए हैं और सभी को कृष्ण प्रेम बांटना चाहते हैं। तो ये प्राथमिक अवस्था तो है, महाप्रभु शुरुआत में कुछ देखते नहीं, कौन कितने आया, आ जाओ सब, आ जाओ सब, आ जाओ सब लोग, हाँ ऐसे है। लेकिन यहाँ पर आगे ये भजन भी समझाएगा हमको। तो कब ऐसा दिन आएगा हमें भी सोचना चाहिए, हमें ऐसी सूखी सूखी माला ही करने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें भी ऐसे कुछ समय के बाद ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि हम अच्छी साधना भक्ति के स्थल पर स्थित हो, उसके बाद में भाव भक्ति पर स्थित हो, उसके बाद में प्रेमा भक्ति पर स्थित हो। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा था कि मेरी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, और दो विशेष किताब है उसमें, उपदेशमृता और भक्ति रसामृत सिंधु, गीता भागवत तो है ही में। तो कब वो दिन आएगा? और हरी हरी बलिते, जब मैं हरी हरी बोलूँगा, हरे कृष्ण बोलूँगा तो अश्रु धारा बहेगी। हरे कृष्ण बोलेंगे और अश्रु की धारा चालू हो जाएगी। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि नयनम गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद हृदया, गिरा पुलके निचितम वपुर गदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो हमें ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हम ये स्थल पे आए, लेकिन वो नकल नहीं करना है, इंतज़ार करना है जब हम उस स्थल पे आए और ये लक्षण प्राप्त होंगे। उसके लिए जो जरूरी है वो शुद्धिकरण वो करना है। अगर कृष्ण की कृपा से उस स्थल तक हम पहुंच जाते हैं तो ये लक्षण स्वयं आएंगे। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये स्थल में पहुंचने के लिए भौतिक स्नेह से मुक्त होना चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं, आर कबे निताई चंदेर करुण होइबे, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होबे। संसार वासना,
भौतिक सुख की इच्छा, तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इसमें तीन अवस्था है। भौतिक सुख में व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है भौतिक सुख के प्रति, पहला है कि ये सब कुछ है, ये ही जीवन है, ये ही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ज़्यादातर आप मंदिरों में जाओगे तो वहाँ उस प्रकार की आरती होती है, धनम देही जन्म देही सुंदरिम देही दो दो सुख संपत्ति दे भगवान जय संतोषी माँ, सबका करे भला भगवान, तो भगवान का भला कौन करेगा? तो प्रार्थनाएं भी उस प्रकार के भौतिक स्थल की होती है और उस प्रकार के भक्तों की समझ भी ये होती है कि मुझे पैसा मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, मुझे सुंदर पत्नी मिली या सुंदर पति मिले, मेरे ऊपर कृपा हो गई। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, संसार वासना कोबे तुच्छ होबे, ये तुच्छ है। हम शुरुआत में भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति को सब कुछ समझते हैं, उन्नति प्रगति समझते हैं। भक्ति में थोड़ा आता है तो फिर सब कुछ नहीं समझता है, कुछ समझता है। इसमें कुछ तो है कि लोग भक्ति में आने के बावजूद भी उसमें चले जाते हैं, उसमें कुछ तो होगा, या जो कोई उसमें है ही नहीं ब्रह्मचारी है तो उसको लगेगा कि इसमें वैसा तो क्या है कि ये आश्रम लोग इतने सारे बदलते हैं, इसमें कुछ होना चाहिए। कुछ जिज्ञासा होती है कि इसमें ऐसा क्या है भौतिक सुख में। लेकिन जो इससे आगे उठ के ऊपर के स्थल पे जाता है तब वो ये चीज कहता है तुच्छ होवे। प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे इसी के बारे में, तुच्छ बोल के प्रभुपाद जी ने ऐसे थू भी किया, विषय वासना थू, वो कब होगा? हाँ, कब ऐसा होगा कि हमें विषय वासना के प्रति कोई रुचि नहीं होगा, वो हमारे जीवन में कोई महत्वपूर्ण नहीं होगा? तुच्छ, तुच्छ का मतलब है जिसका हमारे गिनती में कोई मूल्य नहीं है। इसी तरह आध्यात्मिक उन्नति प्रगति तब संभव है जब व्यक्ति भौतिक दुनिया और भौतिक सुख उसके लिए तुच्छ है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, यहां से भक्ति में प्रवेश होता है। प्रभुपाद जी ने कहा है ना कि अगर आप इंद्रिय तृप्ति को तुच्छ नहीं समझते हैं, If you are not detestful of material sense gratification and material world, detestful, tuch, you have not even entered the threshold of spiritual understanding. आध्यात्मिक समझ की चौकट में भी आपने प्रवेश नहीं किया है। समझ रहे? आप मिक्स डिवोटी हो सकते हैं, अपराधी डिवोटी हो सकते हैं, आभास डिवोटी हो सकते हैं, रियल डिवोशन आपके अंदर है। वो तब होगा जब पहले ये तुच्छ लगेगा, ये एंट्री गेट है। और जब तक हमको भौतिक इंद्रिय तृप्ति कुछ लग रहा है तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है या नहीं है ये आगे समझाते हैं। हम सोचते हैं कृपा है,
संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होवे। कब मैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से मुक्त होऊंगा, फिर मैं वृंदावन को देख पाऊंगा, फिर मैं वृंदावन को देख पाऊंगा। अभी हम वृंदावन जाते हैं, हम सोचते हैं हम वृंदावन को देख रहे हैं। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कबे हमा हमा हेरब श्री वृंदावन। तो जब व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, क्योंकि वृंदावन भगवान की जगह है, भगवान का स्थान है, धाम। वृंदावन में, वास्तविक वृंदावन में, वृंदावन के ऊपर एक पर्दा लगाया है क्रोध माया में। तो जो लोग शुद्ध नहीं है, वो पर्दे के ऊपर से बाहर से वृंदावन भ्रमण करते हैं, वास्तविक वृंदावन वो देख नहीं पाते। उनका अधिकार नहीं है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो बाहर रहते हैं। अंदर भी है लेकिन बाहर है। धाम में सोच रहे हम पहुंच गए, लेकिन वहां होते हुए आप उसके बाहर है। कैसे आप आस्वादन नहीं कर सकते वृंदावन का रस, क्योंकि वृंदावन जो धाम है वहां एक ही पुरुष है, एकेला ईश्वर कृष्ण। आर सब वृत्ति, बाकी सब दास है, भगवान की शक्ति है, शक्तिमान एक ही है। वो स्थल वृंदावन है, जहां पर दो पुरुष है वो वृंदावन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वृंदावन में जा रहा है, वो वास्तविक वृंदावन को नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है। अपनी जड़ चरम चक्षु से वृंदावन का दर्शन नहीं होता है, ना मध्यम अधिकारी मनोमय स्थल से वास्तविक वृंदावन का दर्शन कर सकता है, केवल उत्तम अधिकारी चिन्मय दर्शन कर सकता है, एज इट इज। यहाँ पर भी हम आज आए हैं उत्साह से दर्शन करने विग्रह का। अगर यहाँ कोई उत्तम अधिकारी है तो वो दर्शन कर रहे हैं, महाप्रभु ने डांसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण भी नाच रहे हैं, कृष्ण भी बहुत खुश है आज, सब देख रहे हैं, बाकी तो ऐसा तो दिखता नहीं। कनिष्ठ के लिए, मध्यम के लिए संभव नहीं, उसको ऊपर उठना पड़ेगा। वो कब ऊपर उठेगा? जब शुद्ध होगा। शुद्ध कब होगा? नितायन भोली लो मुखे मजिले संसार सुखे। नित्यानंद का जब तक करुणा नहीं आएगा, नित्यानंद कौन है? मूल गुरु है। जब तक गुरु का कृपा आपके ऊपर नहीं आएगा, तो आप भौतिक सुख से मुक्त नहीं होंगे। वो इच्छा आपको सताएगी, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत, पिशाची की तरह, जैसे भूतनी आपके अंदर घुस गई है आपको सताएगी, इसी प्रकार से ये सताएगी। तो गुरु की कृपा चाहिए। गुरु की कृपा किसको मिलती है? गुरु की कृपा किसको मिलती है? जो गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं। और गुरु का आज्ञा क्या होता है? अन्य बिलासित सुनियम, ये सब माया है, इसको छोड़ो। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम प्रतिष्ठा सुकरविष्टा कंचन कीर्ति कामिनी, ये सब छोड़ो। तो जब
मने गुरु की सेवा करके और हरि नाम करके ताकत मिलता है आध्यात्मिक, और गुरु की आज्ञा फिर पालन कर सकते हैं, वो पालन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अटके के रहेंगे। तो जब हमारा मन पूरा शुद्ध हो जाएगा उस समय हम वृंदावन को वास्तविक देख सकेंगे। दूसरे शब्दों में व्यक्ति वृंदावन जबरदस्ती से जाके वहाँ रह नहीं सकता है और उसको आध्यात्मिक आनंद आए। बहुत लोग जाते हैं रहते हैं, लेकिन जैसे क्या होता है, बहुत लोग प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं उपदेश अमृता, उसमें बताया गया है कि वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ राधाकुंड। इसलिए आदमी जाके राधाकुंड में जमीन ले लेता है, कुटिया बना लेता है, वहाँ रहता है और सोचता है मैं बाबा की तरह हर रोज 1 लाख 2 लाख भजन करूँगा। लेकिन पहले शुद्ध नहीं हुआ है। कुछ लोग शुद्ध होते हैं तो टिक पाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब बाबा है वो एक बड़ा मकान बना रहा है, गाड़ी आ गया, पत्नी आ गए, बच्चे आ गए, और जो जाए उससे डोनेशन मांगने चालू कर दे। तो तुम तो सब कुछ छोड़ के गए थे राधा कुंड में भजन करने के लिए, वहाँ भोजन में लग गए। ये ऐसे ही बहुत सारे आप देखो तो ज़्यादातर ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत काटा है बाबाओं को जो जाकर ऐसे करते हैं। तो ऐसे जब तक हृदय शुद्ध नहीं है समस्या रहेगी, तो इतना आसान नहीं है वैराग करना। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं विषया छाड़िया कबे शुद्ध होबे मन, कब मेरा मन ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से शुद्ध हो जाएगा, फिर मेरे लिए वृंदावन देखने के लिए संभव होगा। रूप रघुनाथ पदे होबे होइबे आकुति कबे हामा बुझाबा से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोरा आश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। वृंदावन जाने का मतलब है राधा कृष्ण की लीलाओं को समझना। ये कैसे संभव होगा, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। रूप गोस्वामी से लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी, 6 गोस्वामी, हाँ सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी को लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी तक पदे उनके चरणों में, हाँ कब मेरी आसक्ति होगी गोस्वामियों के चरणों के प्रति। सबसे पहले भगवान के महान भक्तों के प्रति आसक्ति चाहिए, फिर वहाँ से ऊपर जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट जंप मारते हैं, है ना, जैसे उत्सव होता है मंदिर में लोग आते हैं तो सबसे पहले जाके यहाँ खड़े रह जाते हैं और अपने बच्चे को इधर ऊपर खड़ा कर देते हैं कि देख बेटा दर्शन कर ले। वो क्या दर्शन करेगा, उसको अगली मिनट में मोबाइल दे दो वहाँ सब दर्शन कर लेगा वो, है कि नहीं। तो लोग ऐसे तुरंत भगवान के पास जाते हैं, भक्तों को देखते नहीं हैं तो भगवान उनको नहीं देखते हैं। वही तो हो गया था जब दुर्योधन भगवान के पास गए, अर्जुन भी गए, तो भगवान का कृपा चाहिए। तो दुर्योधन ने सोचा कि भगवान आँख खोलेंगे सबसे पहले मुझे देखेंगे, सिर के पास जाके खड़े रह गए। अर्जुन ने सोचा कि मैं भगवान के चरणों के पास खड़े रहूँगा। भगवान ने पहले आँख खोल के अर्जुन को देखा कि चरणों के पास कौन है, और उसको तो देखा ही नहीं दुर्योधन को। तो ऐसे होता है कभी कभी आदमी सोचते हैं सबसे पहले भगवान मेरे को देखेंगे। एक आदमी एकदम बाहर खड़ा है,
भगवान किसको देखेंगे? भगवान देखेंगे कि सेवा भी कौन कर रहा है। जैसे प्रसाद भी बटेगा तो कुछ लोग प्रसाद खाने में ही लग जाते हैं, कुछ लोग सेवा में लगते हैं, ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर, तो भगवान उनको देख रहे हैं, जो खा रहा है उसको नहीं देखते। ये तो उसको बाद में भी देख लेंगे, ऑलरेडी तो कृपा ले रहा है वो। तो रूप रघुनाथ पदे आकूति, रूप गोस्वामी, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने इतने सारे भजन लिखे हैं, आप ये किताब पढ़ोगे तो रूप मंजरी पद, कि वो कि रूप मंजरी के प्रति मेरी आसक्ति, रूप मंजरी कब मुझे सेवा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आज्ञा देंगे, इस प्रकार का आसक्ति होना चाहिए, गुरु के प्रति आसक्ति होना चाहिए, प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति होना चाहिए, तब प्रगति होगा। वो उत्साह आकुति क्या है कि उनके मार्गदर्शन में, गोस्वामियों के मार्गदर्शन में राधा कृष्ण को समझना। सबसे पहले तो कृष्ण को समझना, फिर लीला को समझना। पहले तो कृष्ण को समझेंगे कि कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, संबंध ज्ञान बाद में तो आगे जाएंगे। गोस्वामियों के मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन का मतलब क्या है? उपदेश अमृत का पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध जीव उदर उपस्थ, वेग वेग को नियंत्रण में ले बेटा, ये पहले। वो तो किया नहीं और राधा कुंड पहुंच गया तो भोजन में लग गया, भजन छूट गया। अपने प्रयास से राधा कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से राधा कृष्ण को समझा नहीं जाएगा, केवल कृपा से समझा जाएगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु दिया है तो व्यक्ति को क्रमशः पालन करना पड़ेगा, तब वो जाके राधा कृष्ण की प्रेममय लीला को समझेंगे। नहीं तो अगर कोई सामान्य लड़की और लड़का के रूप में राधा कृष्ण को समझेंगे तो क्या होगा? भ्रांति हो जाएगी और काम वासना बढ़ जाएगी और फिर प्राकृत सहज बन जाएंगे, बाहर से साधु अंदर से एक नंबर डॉन, डिंग डॉन। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कैसे हम राधा कृष्ण की सिद्ध संगति में पहुंच सकते हैं, हमें चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त होना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त कैसे होंगे? How you will become more attached to Mahaprabhu? प्रचार करके और संकीर्तन, सेवा, सेवा करके, कोई भी सेवा महाप्रभु की जो गुरु से आ रही है, और वो तो प्रचार ही हो गया ना, और क्या जरूरी है आसक्त होने के लिए? नॉट हियर, कीर्तन करते रहना। हाँ, कीर्तन का मतलब क्या है? भगवान की कीर्ति सबसे पहले सुनना। जन्म कर्म च में दिव्यम, चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनना। वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा चैतन्य चरितामृत पढ़ने से
महाप्रभु की लीलाओं को बार बार स्मरण करने से आसक्ति होगी, और जो चैतन्य महाप्रभु से आसक्त है उसकी सेवा करने से तीन चीज हो गई। महाप्रभु की सेवा, महाप्रभु का नाम रूप गुण लीला का श्रवण, और जो महाप्रभु जिसके पास महाप्रभु की आसक्ति है उसकी सेवा। समझ रहे? अगर ये मालूम नहीं है तो आप कितने साल काट लेंगे। अगर ये ही मालूम नहीं है कि कैसे आसक्त होना है तो हम बोलेंगे आसक्त होना है, आसक्त होना है, हाँ आसक्त था मालूम, कन्नू था मालूम, तो वो मालूम होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से ये भजन पढ़ा जाता है। ऐसे ही नहीं कि लोग वो बैंड बाजा पेटी ले लेते हैं, गोरंगे बुलटी, और कभी कभी आंसू भी गिरते नहीं गिरते तो ग्लिसरीन ग्लिसरीन डाल के आ जाए। लोगों को ऐसे सहज्य करते हैं और लोग तालियां मारते हैं, क्या बाबा बाबा भाव भक्ति है, भाव भक्ति काय का भाव भक्ति। ऐसे नहीं होता है। भाव भक्ति के 9 लक्षण है, वो भी तो होने चाहिए। खाली ग्लिसरीन डालने से भाव भक्ति नहीं हो जाता है। वो तो चूना लगाने वाली बात है। डोंग जो कलयुग का मुख्य गुण है, झगड़ा और डोंग। चैतन्य महाप्रभु से बहुत आसक्त होना चाहिए, वो हमें आगे ले जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, कृष्ण भावनामृत की समझ प्रदान करने के लिए, डिलीवर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत को डिलीवर करने के लिए महाप्रभु आए हैं। इसलिए सबसे पहले महाप्रभु को सरेंडर करना पड़ेगा। राधा कृष्ण के पास जो डायरेक्ट जाएगा वो लटक जाएगा। पहले परंपरा के द्वारा नित्यानंद प्रभु तक, नित्यानंद प्रभु की सिग्नल की तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को जैसे हुआ, फिर महाप्रभु, फिर महाप्रभु जब तथास्तु करे तब हम जाएंगे राधा कृष्ण की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होने से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी क्या बताए कि गुरु और कृष्ण ये रेलवे की दो पटरी की तरह है। अभी एक पटरी थोड़ी सी ऐसी हट गई है तो क्या होगा, पूरी ट्रेन पलटी मारेगी, है कि नहीं। तो साथ साथ में चलना है गुरु कृष्ण, समझ गए। आप एक आरती कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं यहाँ आरती कर रहे हैं भगवान की, तो उस समय गुरु गुरु की कृपा लेके वो आरती कर रहा है, और वो गुरु और कृष्ण दोनों साथ साथ में रहने चाहिए। गुरु को भूल के उधर नहीं जाना है, समझ रहे। उसको गुरु की सब आज्ञा, सब उसको स्मरण होना चाहिए। तो जब ही गुरु क्या कहे, जो गुरु क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, इस्कॉन में जिंदगी भर सेवा करो, यही तो कहते हैं दीक्षा के समय। तो जब आप वो करेंगे तो गुरु प्रसन्न होते हैं, है ना। जब वो अब महाप्रभु को सरेंडर नहीं हो रहे तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न नहीं होते, तो कृपा नहीं आएगी तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा तो भौतिक इच्छा जाएगी नहीं। जब नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होंगे तो भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगी, और जब भौतिक इच्छा है नहीं ज्यादा तब हम वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। और वृंदावन में प्रवेश करने के बाद हम बहुत ही उत्साही रहते हैं 6 गोस्वामियों की सेवा करने के लिए। फिर हम राधा कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। तो जैसे कहा है
11:5-32 महाप्रभु का जो भागवत का प्राकट्य कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, जो कलयुग का अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु है। कैसे आएंगे? अपने पार्षद के साथ और संकीर्तन के साथ। और युग धर्म क्या है कलयुग का? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी को एंट्री है ना। हरि बोल गौरनिताय गौरनिताय। महाप्रभु सभी को एंट्री ले रहे, सभी को ला रहे। येन केन प्रकार है ना, रूप गोस्वामी कहते हैं, मन निवेश कृष्ण में मन लगा दो कैसे भी, येन केन प्रकार है ना। कैसे व्यक्ति आता है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो महाप्रभु जैसा कोई कृपालु है ही नहीं। महाप्रभु सबसे कृपालु है। क्यों महाप्रभु इतने कृपालु है? महाप्रभु कृष्ण ही है लेकिन इतने कृपालु कैसे बन गए? क्योंकि महाप्रभु जो कृष्ण ही है वो राधा जी के मूल भाव में आए हैं, राधा जी का भाव लेकर आए हैं और एक भक्त का रोल अदा कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि कृष्ण भक्ति से क्या आनंद मिलता है। कृष्ण सोच रहे हैं कि ये राधा रानी मेरे पीछे इतनी पागल है, मेरी सेवा इतनी करती है और मेरे से ज़्यादा सुख इसको कैसे मिलता है, तो मेरे में ऐसा क्या है और मेरी भक्ति करने से क्या मिलता है, ये समझने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, राधा जी के हृदय में से उनका भाव चोरी करके वो खुद गौरंग महाप्रभु बन के ये आस्वादन कर रहे हैं। तो जैसे कोई नटखट लड़का हो और उसका बाप उसको घर से भगा देता है कि नालायक साला हराम ज़्यादा भाग घर से बाहर निकल जा, तो कुछ सुनता ही नहीं मेरी बात। लेकिन माँ का हृदय हमेशा होगा कि ये अच्छा नहीं किया, ठीक है नालायक है लेकिन आखिर तो है हमारा बच्चा। तो राधा रानी का ऐसा भाव है, राधा रानी को ज़्यादा दया रहता है सभी जीवों के ऊपर। तो इसलिए जब महाप्रभु के रूप में आए तो महाप्रभु बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु, सभी को अंदर लेना चाहते हैं। कोई भक्ति करके अपराध करके बाहर भी चला जाता है तो भी उसको प्रसाद की व्यवस्था करते हैं कि एक दिन वापस आए। महाप्रभु का ये दृष्टिकोण। लेकिन ये दृष्टिकोण से ऊपर भी उठना जरूरी है। महाप्रभु का सेकंड लेवल क्या है वो समझना जरूरी है। तो इसके लिए शिला जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु नवद्वीप मंडल का परिक्रमा करवाए। आप सोचिए जीव गोस्वामी का सौभाग्य तो देखिए कि नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने साथ नवद्वीप परिक्रमा करा रहे, उनको सब स्थली समझा रहे। नवद्वीप महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर का किताब है, उसमें ये सब बताया है ये किताब में। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि ये नवद्वीप कलयुग का मुख्य धाम है और ये औदर्य धाम है, यहाँ कोई अपराध की गिनती होती नहीं है। जीव गोस्वामी तो आप जानते हैं कि सभी भारतीय दार्शनिक फिलोसोफर्स ने सबने मिलके ये कहा है कि जीव गोस्वामी जैसा फिलोसोफर दुनिया में कोई नहीं है, नंबर वन फिलोसोफर स्वीकार किया है। बनारस सब जगह के पंडित सब लोग स्वीकार करते हैं इज नंबर वन। कितने बुद्धिशाली होंगे। जीव गोस्वामी ने नोट कर लिया कि यहाँ अपराध
लगते नहीं। और जो परिक्रमा हुई उस दौरान वो देख रहे, ऐसे अभी कर्टन खोलने के पहले जोर जोर से बोलना चालू करें, गौरंगा गौरंगा नित्यानंद गौरंगा नित्यानंद गौरंगा, तो ऐसे सब कीर्तन देखा। जीव गोस्वामी ने परिक्रमा के समय देखा भक्त लोग हरे कृष्णा गोरा 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 निताय निताय सब कर रहे हैं। लास्ट में परिक्रमा समाप्त हो गया, जीव गोस्वामी ने प्रश्न पूछा नित्यानंद प्रभु को, आप कहते हैं कि ये औदर्य धाम है, यहाँ अपराध की गिनती होती नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हरे कृष्ण कर रहे हैं, बहुत सारे गौरा गौरा नित्यानंद कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर नयने बोबे नीरा और पुलक गौरंग बलिदे पुलक शरीर लक्षण किसी में दिखाई नहीं दे रहे। ये लोग सब हरे कृष्ण कर रहे हैं, ये सब नित्यानंद गौरंग की बुला रहे हैं, लेकिन कोई भाव का लक्षण नहीं है, ऐसा क्यों? नित्यानंद प्रभु बोले ये बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। जिस व्यक्ति का महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध नहीं है, वो कितना भी हरे कृष्ण कर ले, कितना भी गौरंगा गौरंगा नित्यानंद कर ले, उसके अंदर ये लक्षण नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति डंभी है, दिखावा कर रहा है, धर्मध्वजी है, हिपोक्रेट है, ये सब लिखा हुआ है। क्योंकि उसके अंदर नम्रता है नहीं, उसके अंदर सहनशीलता क्षमा गुण है नहीं, दूसरे को आदर देने का गुण नहीं है, और अपना मान की अपेक्षा रखता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा महाप्रभु हमारा महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध कब स्थापित होता है? महाप्रभु का मुख्य शिक्षा क्या है? शिक्षाष्टक। और शिक्षाष्टक में मुख्य शिक्षा क्या है? त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदारे। तो जब आपके अंदर ये चार गुण आएंगे हृदय के, तब आपका और महाप्रभु का हृदय का हार्ट टू हार्ट, जैसे हमारा भक्तों के बीच में भी अलग अलग संबंध होता है, कुछ भक्तों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है ना, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि सूरित, सूरित शब्द उपयोग किया जाता है भगवद गीता में, प्रभुपाद जी कहते हैं एक बंधु होता है, एक मित्र होता है, एक सूरित होता है। तो इसी प्रकार से हमारा संबंध कई लोगों से खाली वर्किंग रिलेशनशिप, काम करने की सेवा सेवा हेतु हमारा संबंध है, कुछ लोगों का हमारा आदाव जैसा संबंध है, कुछ चीज में तालमेल है, कुछ चीज में हालमेल है, है कि नहीं, द्वंद्व वाला रहता है। बहुत कम लोगों के इसके साथ हृदय का संबंध रहता है, है कि नहीं, और ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो हमसे उन्नत है और हमारा उनके साथ हृदय का संबंध है, और जहां हम अपना पूरा हृदय खोल के बता सकते हैं और वो हमें सही मार्गदर्शन करके ऊपर उठा सकते हैं, स्वजातीय स्निग्धेह, है कि नहीं, जो साइंस है। तो ये गुण कब आएंगे? त्रिनाद भी सुनिचे न तरोर भी कब आएंगे?
ये भी भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में बताए, जब आप 10 अपराध से कंप्लीटली कंसिस्टेंटली मुक्त हो गए, तब आज के बाद 10 में से एक भी अपराध नहीं। जब ऐसी स्थिति में आ जाओगे, उस समय आपके ये हृदय की नम्रता, क्षमा, सहनशीलता, हर जीव को आदर देना और अपने कोई मान की अपेक्षा नहीं, ये गुण आ जाएंगे, उस दिन आपका और महाप्रभु का हृदय का बॉन्डिंग हो गया, हृदय का संबंध बन गया। अब आप बोलेंगे गौरंगा तो लोग बोलेंगे नाटकबाजी कर रहा है, ये सहज है, ऐसा लोग बोलेंगे। लेकिन आपको परवाह नहीं होगी, आप नाचोगे हाय गौरंगा गौरंगा, बोलेंगे रास्ते में जा रहे हैं बोलेंगे गौरंगा गौरंगा, लोग बोलेंगे ये पागल है, वो बोलेगा सही है मैं पागल हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं यू हैव टू बिकम मैड फॉर कृष्णा, पागल होना है कृष्ण के लिए, दिस इज द लास्ट स्टेज। प्रभुपाद जी कहते यू जस्ट क्राई एंड यू आर मैड फॉर कृष्णा, दिस इज द परफेक्शनल स्टेज। आप पागल होकर कृष्ण कृष्ण के लिए रो रहे, ये परफेक्ट स्टेज है। हम लोग बोलते नहीं कोई हमको देख लेगा इसलिए हम कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल क्या, तेरे अंदर उतना वेग ही नहीं है, थोड़ा आएगा तो भी तो एक बूंद आएगा, 5 cc भी भरेगा नहीं कहाँ से। और यशोदा माँ जैसे थोड़ी है कि पूरी नदी बह रही थी अश्रु की, हाँ ऐसा थोड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको ये नहीं आ रहा है उसको क्या करना है, शुद्ध भक्त का आश्रय लेना है, वहाँ समर्पित होना है, कहना है कि मेरी ये अपराध हो रहे मुझे इससे बचाओ मुझे इससे बचाओ, और उसके बाद पूरा क्रमिक जाना है। तो इसलिए कहा जाता है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की भक्ति उत्पाद ये कल्पते। तो ये शास्त्र के अनुसार नहीं जाएंगे तो हम किधर ना किधर लटक जाएंगे, फिर ये सिम्टम मिलेगा। हर साल गौरंगा गौरंगा होगा, प्रसाद खाया गौरंगा को भूल जाओ, चलती का नाम गाड़ी, हरे कृष्णा हरे राम, हर 16 माला ऐसे ऐसे करो, माला जोली एक दो साल में फट जाता है, नया जोली डाल दिया, तो कभी कभी माला भी टूट जाता है, फिर से उसको ज्वाइन करवा लिया, नया धागा डाल लिया, चलती का नाम गाड़ी, बढ़ती का नाम दाढ़ी। ये बताया भक्ति विनोद ठाकुर ने, बताया ये भी बताया। अगर शुद्ध भक्तों की कृपा से वो शिष्य सही कीर्तन का तरीका स्वीकार करता है, सही तरीका, तो बहुत जल्दी प्रेमा के स्थल तक पहुंचेगा। लेकिन अगर शिष्य मिश्रा भक्त से या आधा भक्त से, सेमी डिवोटी या मिक्स डिवोटी से वो शिक्षा लेगा, तो उसके लिए प्रेम प्राप्त करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है वहां से, वो पूरा 100% सरेंडर डिवोटी नहीं बनेगा, पाप की छवियां उसके हृदय में स्प्रिहा होती रहेगी, और ऐसे स्थिति में उनको शुद्ध भक्त अच्छे लगते नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं तुम क्यों बोलते हो कि शुद्ध भक्तों का संग करो शुद्ध भक्तों का संग करो, उनको वो भी अच्छा नहीं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ शास्त्र कहता है, उनके हृदय में कपट घुस जाता है, टेढ़े मेढ़े चाल खेलने लगते हैं, संस्था में आके भजन आध्यात्मिक मार्ग में टेढ़ी चाल कूटनीति कपट खेलने लग जाते हैं, शकुनी की चाल।
इस स्थिति में उनको बहुत जन्म तक कनिष्ठ अधिकारी रहना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी के अंदर श्रद्धा होती है लेकिन बहुत कोमल होती है और दूसरे प्रलोभन से इधर उधर भटक जाते हैं। जो भक्त और गुरु का वो संग करते हैं वो भी उसी प्रकार के होते हैं। समझ रहे? इसलिए ऐसा होता है, सही संग नहीं मिल रहा है तब ऐसा होता है, भटक जाता है वो। बाकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 6 महीने में आदमी तो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन हम लोग अपराध ही नहीं छोड़ पाते हैं तो क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए, सीखना चाहिए और साथ में फिर गौरंगा गौरंगा बोलना भी चाहिए। हरे कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए, गौरंग को नहीं छोड़ना चाहिए, भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे अंदर गलत है उसको छोड़ना चाहिए। समझ रहे? तो ऐसा इच्छा भी होना चाहिए और ये इच्छा को लेकर फिर वैसा मेहनत भी करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं दामोदर लीला में 2 उंगली का फासला रह गया, 1 उंगली क्या है? स्वनिष्ठा, हमारा प्रयास, और दूसरा क्या है? भगवान का कृपा, हमारा प्रयास और भगवान का कृपा। तो इसमें भी फॉर्मूला भगवान भगवद गीता में बोल दी, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम्। आप जितना समर्पित होते उतना भगवान आपको कृपा देते। आप 100% सरेंडर हो गए तो भगवान आपको 100% कृपा देते हैं। आप 20% सरेंडर है तो भगवान आपको 20% कृपा देते हैं। हम माला करते हैं सुबह 16 माला, भगवान देखते हैं कि तुमने माला में कितना दम लगाया, कितनी माला ढीली डाली थी, नंबर 1 राउंड में कितना परसेंट तुम्हारा समर्पण था, कितना प्रयास था, कितना मेहनत था। कृष्ण को ये सब समझना ऐसे चुटकी में हो जाता है। हम लोगों को बोला जाए कि तुम्हारा 1st राउंड में कितना था, 2nd में, ये कैसे पता चलेगा प्रभु जी? लोग क्वेश्चन पूछेंगे। हम कभी बताते हैं ग्रेडिंग करो ABC, तुम ले, इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि बी करें या सी करें, तो हम तो कन्फ्यूज़न से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारा ये बौद्धिक जगत में आना ही कन्फ्यूजन है, समझ रहे? लेकिन कृष्ण के लिए आसान है, कृष्ण को पता है। तो ये तो एक बाजू हो गया क्वालिटी, लेकिन दूसरा उसका रिजल्ट है ना। अगर आपके अंदर बौद्धिक इच्छा खत्म हो गई है या कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, उसका मतलब आपका प्रगति हो रहा है। पहले आपका इच्छा था कि मेरे को 10 करोड़ चाहिए, अभी आप 10 लाख में संतुष्ट हुआ, बहुत प्रगति हो गया, बहुत प्रगति हो गया, बहुत प्रगति हो गई। इसी प्रकार से सभी चीज धीरे धीरे डाउन जा रहा है, उसका मतलब शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, पहले कुछ भी नहीं चाहिए और अभी बोलते हैं सब कुछ चाहिए, तो वो भी सही नहीं ना। वो तो मैंने कहा जा रहे थे भक्ति में और वापस यू टर्न मारे और इधर चले माया में, ऐसा भी होते रहता है। तो महाप्रभु पात्र पात्र न देखे, ये नहीं देखते हैं कि कौन लायक है कौन लायक। कृपा देने के लिए तैयार है लेकिन एक सिस्टम है। यहाँ तक तो ठीक है, आ जाओ सब, प्रसाद लो, कीर्तन करो, हरि बोल सब कुछ करो, ये सब पढ़ो, ये गीता लो, भागवत लो, ये सब पढ़ो, ये कोर्स करो, वो करो, दीक्षा लो, सब करो, प्रगति करना है। त्रैनाद भी सुनी छे ना तरूर भी, मेरे साथ संबंध बनाना है, ये 4 गुण बेटा हासिल कर। हासिल तो नहीं किया घास काट और कुछ नहीं, तो
मेरी बात का आगे का पालन करो, ये करो नहीं तो घास काटो। कल ही एक डिवोटी मुझे कोट भेजे थे तो जयपतक महाराज भेज रहे थे, बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे भागवत का, उसमें बताया कि आपको 100% परफेक्ट होना पड़ेगा, एक भी इच्छा नहीं होना पड़ेगा। तो सब लोग ऐसे हो, It's not possible. How's it going to be possible? 100%, I'm getting grace. I'm having difficulty. 20%, 100%. जो 20 मार्क ला पा रहा है वो सोचेगा 100 मार्क झाला कहाँ से आएगा। फिर प्रभुपाद जी बोले ओके 90%। फिर भी देखा सब लोग उदासीन है, कोई भी खुश नहीं। फिर प्रभुपाद जी बोले 80%। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी व्यासासन से उठे, अपना चादर डाले और बोले लास्ट 75%। और वो प्रभुपाद जी का जो नेक्टर ऑफ डिवोशन क्लासेस है वृंदावन में, उसमें बताया 75% प्यूरिफिकेशन का मतलब है मध्यम अधिकारी निष्ठा लेवल भक्ति, वहाँ तक आना पड़ेगा, वहाँ से प्रभुपाद जी आपको ले जाएंगे। अगर आप प्रभुपाद जी से जुड़े रहेंगे तो ये 25% डिस्काउंट है, आप कहीं और जा रहे हैं तो वहाँ तो 100% ही लाना है, ये प्रभुपाद जी का स्पेशल डिस्काउंट है, और किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं। हो सकता है आगे कोई कैपेसिटी हो, भगवान प्रदान करे, लेकिन फिलहाल तो प्रभुपाद जी के पास ये 25% डिस्काउंट में जाने का रास्ता है। और वो क्या है, निष्ठा का मतलब क्या है, त्रिनादपि समीचीन तरोरपि सहिष्णुः अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये त्रिनादपि समझना बहुत कठिन लग रहा है लोगों को। त्रिनादपि का मतलब है भक्तों के बीच में हमें समझना है कि मैं सबसे नीचा हूँ, मेरे से बाकी सब ऊपर है। हमारा उल्टा होता है, जितने हम सीनियर होते हैं, जितने पोजीशन में जाते हैं, हम उपाधि लेके बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं ये क्या है, ये कल का छोकरा, ये मेरे सामने क्या करेगा, घास काटेगा, तो त्रिनादपि नहीं आया ना। तो महाप्रभु बोलेंगे ठीक है बेटा, वो तो घास काट रहा है, तू भी घास काट, तेरे को मिलेगा नहीं। पुलक शरीर नयने भवे नीरा, ये सब भूल जा बेटा, तो कितना भी चिल्ला गोरा 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 गोरा, निताई 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 निताई, कुछ नहीं होगा। हरे कृष्ण कितना भी कर लो, कुछ लोग ऐसे कर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे, 16 माला 32 माला 1 लाख 3 लाख, कुछ नहीं होगा। जब तक ये गुण आएगा नहीं, तुम कितना भी हथौड़ा मारो कुछ नहीं होना है। ये रियल भक्ति का एंट्री गेट है। नॉर्मली मंदिर का द्वार बड़ा बड़ा होता है, वास्तविक भक्ति का गेट एकदम जमीन पे, केवल 1 इंच ऊंचा गेट है, 1 इंच के अंदर से जाना है। पूरा त्रिनादपि होके ही जा सकता है, थोड़ा भी ऐसा रहा खाली डोकी ऐसा है, नीचे लेटा हुआ है। लेकिन कभी कभी लोग दंडवत लगाते ना, सिर को ऐसा नहीं रखते, सिर को ऐसा रखते हैं, देखते हैं तो भी नहीं जा सकता है। तो महाप्रभु का ये बहुत है ना, हम सब लोग को अनुभव है ये लेवल तक लाना। लेकिन वो अपराध बंद करेंगे, एक एक अपराध सतर्क होया, यतने ते छाड़ी चीते विलाप करिया, नामे र चरण करे दृढ़ निवेदन, नामे र कृपा होले अपराध विध्वंसन। रोना पड़ेगा, हरि नाम प्रभु मैं अपराधी हूँ, महाप्रभु मैं अपराधी हूँ, मुझे अपराध से मुक्त करो, मुझे नम्र बनाओ, मुझ में सहनशीलता क्षमा का गुण दो, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं लास्ट कैटेगरी का हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मोसाम पतित प्रभु न पाई दयारा, इस प्रकार से रोना पड़ेगा। पब्लिक में भजन गाने से कोई फायदा नहीं होगा, अकेले बैठ के रो। भगवान के सामने बैठ के एकांत में रो, वो सिंसियरिटी होगा।
उसमें कपट नहीं हो सकता है। दिखाना किसको है, कोई दिखने वाला है आप और भगवान है, और फिर वहाँ ईमानदारी लाओ तब भगवान देखेंगे कि हाँ ये चाहता है तो इसको दवा देते हैं, उसको सही संग देंगे, और सही संग से ज्ञान मिलेगा, उस ज्ञान को पालन करोगे तो धीरे धीरे प्रगति हो जाएगी। तो ये कृपा है, ये वास्तविक कृपा है महाप्रभु की। ये नहीं कि बस हर साल वही से आए, गोरा गोरा हरि बोल बहुत डांसिंग किया, अभिषेक हुआ, हाई जंप डांसिंग किया, फेस्टिवल में मजा लूट बेटा मजा लूट, प्रसाद खूब खा, हरि बोल। दूसरा गौर पूर्णिमा हुआ, कुछ प्रगति नहीं हुआ। तीसरा गौर पूर्णिमा हुआ, 10 साल हुआ, कट ग्रास नाइसली जॉनी नो प्रोग्रेस। फेस्टिवल का क्या कहते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी। ये इसका मतलब ये नहीं कि नए लोगों का भक्ति जननी होगा, हमारा भक्ति जननी जरूरी है, हमारा साधना भक्ति से भाव भक्ति का जन्म होना चाहिए, भाव भक्ति से प्रेमा भक्ति का जन्म होना चाहिए। कब होगा, 1 इंच तो आगे बढ़े साल में, ज्यादा ना बढ़े तो। इस प्रकार से हमें गहराई से शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, प्रभुपाद जी के प्रवचन, गुरुजनों के प्रवचन सुनना पड़ेगा, अपने अंदर कमियों को देखने का उत्साह होना चाहिए, दूसरे के अंदर अच्छाई देखने का प्रयास करना पड़ेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी अच्छाई देखना चाहिए, ये गलत है। वैष्णव का उल्टा है, वो अपने को नीच तुच्छ मानता है और सबको भगवान के भक्त मानता है। तो ये सब प्रयास करना पड़ेगा। सोचिए आप, ये हमारे आचार्यगण भक्ति लोक ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्री प्रभुपाद जी, गोस्वामी, ये सब देने आए हैं, हमें देने आए हैं, चाहते हैं, कृष्णा चाहते हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं और जो जहाँ भी बैठे, कृष्ण चाहते हैं कि उनको ये प्रेम तक आ लाए, लेकिन कृष्ण की शिक्षा को नकार के नहीं, क्योंकि कृष्ण की शिक्षा तो ABCD है हमारी भगवद गीता, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, भागवतम तो वहाँ से आता है, भगवद गीता कंप्लीट हुआ, सर्वधर्मान भागवत शुरू हुआ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां से शुरुआत होता है। तो बिना समर्पण भक्ति में प्रगति नहीं हो सकता, तो ये प्रयास करना। हरे कृष्णा श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद जी।